कम्युनिकेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन होती है एक पर्सन का दूसरे पर्सन से अपना कोई थॉट शेयर करना, कोई आइडिया शेयर करना, या किसी भी दूसरे पर्सन से कोई बातचीत करना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बातचीत या फिर वार्तालाप। वार्तालाप को इंग्लिश में कहा जाता है कम्युनिकेशन। समझे? कम्युनिकेशन क्या होता है? दो पर्सन या दो से ज़्यादा पर्सन का आपस में अपने थॉट्स को शेयर करना, अपने आइडियाज़ को शेयर करना। और ये कम्युनिकेशन कब पूरी होती है? मानो तुम तुम्हारी दोस्त सीमा से बातें शेयर कर रहे हो और सीमा तुम्हें बदले में कोई जवाब ही ना दे, तुम्हें लगेगा ये कोई बातचीत हुई, ये तो है सिर्फ मैं ही बोला जा रहा हूँ। तो ये कम्युनिकेशन कैसे पूरी होती है? जब आप बात करो और सामने वाला आपकी बात का पूरा पूरा जवाब दे, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। कम्युनिकेशन है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड विच मीन्स टू शेयर। शेयर क्या करना? अपने थॉट्स एंड आइडियाज़ को, ये आपकी जो भी फीलिंग हो, आप कहते हो ना आपने अपने किसी दोस्त से शेयर करनी है। अब मान लो तुम उदास हो, तुम्हारी लाइफ में कुछ हो गया, तो तुमने होता कि तुम्हें यार मैं अपने जज्बात किसी से शेयर करूं, तो उस शेयरिंग को क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स, आइडियाज, इंसिडेंसेस, या फिर कोई भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे व्यक्ति से किसी भी तरह से। किस तरह से? जैसे कि बोल कर, लिख कर, या फिर जेस्टर शो करके। कहते हैं कि कभी कभी आपका दोस्त आपको देखता है तो वो आपका चेहरा देख के पहचान जाता है कि यार इसकी तो हालत फटी है, लाइक ये कुछ ना कुछ तो करके आया, कांट ये कुछ ना कुछ तो करके आई है। तो कम्युनिकेशन बता देता है कि इस पर्सन के थॉट्स, आइडियाज़ क्या चल रहे हैं। थर्ड पॉइंट है, कम्युनिकेशन कैन नॉट बी काउंटेड कम्प्लीट। अब मान लो तुम एक पर्सन से बात शेयर कर रहे हो, तुम्हारे लाइफ में कुछ हुआ, तुम दूसरे पर्सन से बता रहे हो और वो बंदा अपने फ़ोन में बिजी और तुम्हें कोई जवाब ही ना दे। ठीक है, तुम्हें लगेगा यार ये क्या बात है, तू मुझे इग्नोर कर रहा है। तो आपको लगेगा कि बात हुई, तुम कहते हो यार भाड़ में जाइए बंदा, मैंने इससे कभी बात ही नहीं करनी। तो कम्युनिकेशन पूरी कब हुई? आपको अगर कोई अच्छी बात हुई वो ना, कम्युनिकेशन पूरी कब हुई? जब उस पर्सन ने भी आपकी बात का जवाब दिया, आपको कोई सलाह दी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, या आपकी बात सुनी, या फिर कुछ भी दिया, तो वो होता है फीडबैक कि उसने आपकी बात सुनकर आपको क्या कहा। कुछ लोग बड़े बेवकूफ़ से होते हैं या फिर इतने कह लो कमाल के होते हैं, लंबी कहानी सुनाने पर एक ओके का जवाब देते हैं। ठीक है, तो आपकी लंबी कहानी आपकी तरफ का कन्वेड मैसेज है उसे, और उसका ओके का जवाब उसका फीडबैक है। ठीक है, उसका रिस्पांस है। फीडबैक क्या होता है? रिस्पांस फ्रॉम द अदर साइड। ओके, क्या होता है? रिस्पांस फ्रॉम द अदर साइड। तो ये है हमारा कम्युनिकेशन का मतलब।